दोस्तों, हमने इस बुक को सिर्फ समराइज किया है और इसमें दिया गया कोई भी विचार हमारा नहीं है, इसलिए आइए इस समरी को ओपन माइंड से सुने। नमस्कार दोस्तों, आई किल गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा, नाथूराम गोडसे। ये नाम तो सबने बहुत सुना है, लेकिन नाथूराम गोडसे है कौन और क्या वजह थी उसने गांधी जी जैसे नेता को मारा? उसके रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज क्या थे? क्या कभी गोडसे को अपने किए का पछतावा हुआ था? आपके मन में भी ये सारे सवाल उठे तो होंगे, तो आइए हम बताते हैं आपको कि इन सारे सवालों के जवाब आपको इस बुक में मिलेंगे। इस बुक में आप वो लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे जो गोडसे ने अपनी डेथ सेंटेंस से पहले दिया था, जो उसने 5 मई 1949 को पंजाब हाईकोर्ट में दिया था। 30 जनवरी 1948 में गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी और इसके अगले ही साल फरवरी में उसका कोर्ट ट्रायल शुरू हो गया था। गोडसे और उसके कैंप ने पंजाब हाईकोर्ट के सामने माफी की अपील रखी थी, लेकिन अपील रिजेक्ट कर दी गई। कोर्ट ने उसे डेथ बाय हैंगिंग यानी फांसी की सजा सुनाई थी और इस बुक में उसके कुछ आखिरी शब्दों को समेटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं Why I Killed Gandhi, यानी मैंने गांधी को क्यों मारा, बाय नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे लिखते हैं, मैं एक रिलीजियस ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन से ही मुझे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतिहास और कल्चर की सीख मिली थी, लेकिन मैं खुद को एक फ्री थिंकर मानता था। हालांकि हिंदुइज्म में मेरा गहरा यकीन था। बड़े होने पर मैंने आरएसएस ज्वाइन किया और एंटी कास्ट मूवमेंट से जुड़ गया था। मैं छुआछूत को खत्म करना चाहता था। मेरा मानना था कि हिंदुओं को उनके जन्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, बल्कि मेरा मानना था कि सारे हिंदू इक्वल हैं, इसलिए आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई जात छोटी या बड़ी नहीं है। मैं एंटी कास्ट डिनर्स और मीटिंग्स अटेंड करता था। हर जाति के लोग इन मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे। भंगी, चमार, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कास्ट के लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे। मैंने एंशियंट और मॉडर्न इंडिया यानी प्राचीन और वर्तमान भारत की हिस्ट्री पढ़ी थी। मैंने गोखले, तिलक, रावण, चाणक्य और विवेकानंद जैसे कई महान लोगों की किताबें भी पढ़ी हैं, और मैंने अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का क्लासिक लिटरेचर भी स्टडी किया है। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। सबसे बढ़कर मुझे वीर सावरकर और गांधी जी की टेक्निक्स इंस्पायर करती हैं, और मुझे लगता है कि इन दोनों महान लोगों ने बीते 30 सालों में मुझे और मेरे जैसे कई करोड़ भारतीयों को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। इनके आइडियाज हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में गहराई से बस चुके हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा उससे मुझे लगता है कि मुझे हिंदू धर्म और अपने हिंदू भाइयों और बहनों की सेवा करनी चाहिए। हम सब मिलकर 300 मिलियन हिंदू हैं। हम इस दुनिया की 1/5 आबादी में आते हैं, और इसीलिए मेरा मानना है कि सभी हिंदू लोगों की भलाई और हिफाजत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैंने खुद अपना जीवन हिंदू संगठन आइडियोलॉजी को समर्पित कर दिया है। मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है अपनी मदरलैंड, अपनी मां भारती की आजादी को बचाए रखना, और मुझे लगता है कि इंसानियत को बचाने का यही एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी में 1920 में गांधी जी का दबदबा काफी बढ़ गया था जब लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ। उस वक्त कांग्रेस पार्टी और पूरे देश में गांधी जी का इन्फ्लुएंस था। उनकी पब्लिक एक्टिविटीज ने उन्हें एक ग्रेट लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया था। लोग उन्हें बहुत मानते थे। सत्य और अहिंसा के बारे में कही गई उनकी बातों ने आम जनता पर एक गहरा असर किया था। दिन ब दिन उनके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे। गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा की बात की थी उससे हर कोई एग्री करता था। हालांकि सत्य और अहिंसा के बारे में लोग पहले भी जानते थे, लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें थी। मैं नहीं मानता कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को जरा भी अहमियत देता होगा, बल्कि सच तो यह है कि बात अगर खुद की या अपने परिवार की हो तो इंसान किसी और को तकलीफ देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। तो इसमें गलत भी क्या है? हर कोई पहले खुद का भला सोचता है,
फिर दूसरे का। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो उसका जवाब देना ही होगा। रामायण में राम ने सीता को बचाने के लिए रावण को मारा था, महाभारत में कृष्ण ने कंस का वध किया था, अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मारा था क्योंकि वे उसके दुश्मन के साथ खड़े थे। अगर गांधी के हिसाब से राम, कृष्ण और अर्जुन गलत थे तो इसका मतलब कि वो इंसान की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। अब हिस्ट्री को ही देख लो। अफजल खान हिंदुस्तान में मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। अगर शिवाजी पूरी ताकत से उसका मुकाबला नहीं करते तो शायद खुद अफजल के हाथों मारे जाते। लेकिन गांधी जी शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मानना है कि इन ग्रेट फाइटर्स को वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन मैं तो गांधी जी को वायलेंट समझता हूं, जो खुद एक पैसिफिस्ट हैं। सच और अहिंसा के नाम पर उन्होंने इस देश को मुसीबत में डाला है। हर हिंदुस्तानी को शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान नायकों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि असल में इन्हीं लोगों की वजह से हमें आजादी मिली है। पिछले 32 सालों से गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं, खासकर उनका प्रो मुस्लिम फास्टिंग, ये मुझे इस बात का यकीन दिलाता है कि उन्हें तुरंत पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। अफ्रीका में उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए जो कुछ भी किया है उसकी मैं तारीफ करता हूं। वहां के हिंदू कम्युनिटी के लोगों की कंडीशन इंप्रूव करने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उनके इंडिया लौटने के बाद से हमारे देश में काफी कुछ बदल चुका है। मुझे लगता है गांधी जी शायद ये समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, इस बात का फैसला सिर्फ वो कर सकते हैं। अगर लोग उन्हें लीडर मानने से इनकार कर दें तो वो कांग्रेस छोड़कर अपने रास्ते चले जाएंगे। हमें ऐसे लीडर की जरूरत ही क्या है? उन्होंने कांग्रेस को दो चॉइस दी, या तो उनके हिसाब से चलो और उनका पागलपन, उनकी जिद और सनक झेलो, या फिर उनके बिना कांग्रेस पार्टी चलाओ। गांधी जी को लगता है कि वो हर किसी के और हर चीज का फैसला अकेला कर सकते हैं। सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के पीछे उन्हीं का दिमाग है। उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता और सब लोग उन्हीं के कहने पर चलते हैं। उनका मूवमेंट चाहे फेल हो या सक्सेस, देश को तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर उन्हें भला क्या फर्क पड़ने वाला है। वो तो बस यही बोलेंगे, सत्याग्रह कभी फेल नहीं हो सकता। लोग उन्हें संत समझते हैं, इसलिए उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। उनके ऊंचे विचारों और सादगी की वजह से लोग पता नहीं क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गांधी एक के बाद एक गलती करते रहे, उनके लिए फैसलों ने इस देश के फ्यूचर को खतरे में डाला है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। इसमें जरा भी शक नहीं कि वो एक प्रो मुस्लिम लीडर हैं। ये बात उन्होंने तभी जाहिर कर दी थी जब उन्होंने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की सिफारिश की थी, जबकि असल में तो हिंदी भाषा ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होने का हक रखती है। शुरुआत में गांधी ने भी हिंदी को सपोर्ट किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि मुस्लिम इस बात का बुरा मान सकते हैं तो वो खुद को हिंदुस्तानी भाषा का चैंपियन बताने लगे। और ये बात तो हर इंडियन जानता है कि असल में ऐसी कोई भाषा है ही नहीं, ना तो हिंदुस्तानी की कोई वोकैबुलरी है और ना ही कोई ग्रामर। ये सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ये बेहुदा सी बोली है जिसमें हिंदी और उर्दू मिक्स है। खुद को मुसलमानों का सगा दिखाने के लिए गांधी ने हिंदुस्तानी को प्रमोट किया है, और उनके चाहने वाले चमचों ने भी। अगस्त 1946 की शुरुआत से ही मुस्लिम लीग और इसकी प्राइवेट आर्मीज ने कई सारे हिंदुओं को मारा। उस टाइम के वॉइसराय लॉर्ड वेवल मजबूर हो गए थे। रेप, मर्डर और लूटमार की वारदातों को रोकने के लिए वो अपनी पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज नहीं कर पा रहे थे। बंगाल से लेकर कराची तक हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था, उन्हें बेरहमी से कत्लेआम किया जा रहा था, औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे। मुस्लिम लीग ने उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन मुस्लिम्स ने जिस तरह से हिंदुओं के साथ गद्दारी और दोगलापन किया था, उतना ही गांधी ने उन्हें सपोर्ट किया। लॉर्ड वावल को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो चली थी। उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आया, मतलब कि नागनाथ गए तो सांपनाथ आए। इंडियन कांग्रेस के गले में फंदा था, मरते क्या ना करते। कांग्रेस ने चुपचाप जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को मंजूरी दे दी। ये वही कांग्रेसी थे जो हमेशा नेशनलिज्म और सोशलिज्म की बात करते थे। ये देश की बदकिस्मती ही कही जाएगी
कि देश दो टुकड़ों में बंट गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया का एक तिहाई हिस्सा हमेशा के लिए दूर हो गया था। कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन की तारीफों के पुल बांध दिए और कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में लॉर्ड माउंटबेटन जैसा महान गवर्नर, जनरल और वॉइसराय आज तक नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसका खामियाजा तो आखिर देश को बंटवारे करके चुकाना पड़ा। 30 सालों की तानाशाही के बाद गांधी ने आखिरकार यह हासिल किया कि उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया, और कांग्रेस इसे पावर ऑफ फ्रीडम का पीसफुल ट्रांसफर बोलती है। यहां तक कि इस फैसले को नेहरू ने भी मंजूरी दे दी, जिसे वो कुर्बानी से हासिल की गई आजादी बोलते हैं। लेकिन कुर्बानी दी किसने? गांधी ने, उस आदमी ने जिसे हम पूजते हैं, भगवान मानते हैं। उसी ने भारत के टुकड़े किए, और मेरे अंदर जो नफरत और गुस्से की आग उबल रही है, उसे मैं चाहकर भी रोक नहीं सकता। गांधी ने आमरण अनशन किया क्योंकि उसकी डिमांड थी कि हिंदी रिफ्यूजी दिल्ली के मस्जिदों को छोड़ दें। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अटैक हुआ तो गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। तब क्यों उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट नहीं किया? क्यों उन्होंने गुनाहगारों को सजा देने की मांग नहीं की? क्योंकि वो मुस्लिम थे? क्योंकि गांधी को अच्छे से मालूम है कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो भूख हड़ताल से अपनी जान ही क्यों ना दे दें। वो हिंदुओं पर फिर भी हमला बोलते रहेंगे। उन्हें ये मालूम है कि जिन्ना या मुस्लिम लीग को उनकी फास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि वो एक फादर के तौर पर अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए। सच तो ये है कि उन्होंने देश के टुकड़े करवाकर भारत माता के साथ गद्दारी की है। गांधी फादर ऑफ इंडिया नहीं है, फादर ऑफ पाकिस्तान है। गांधी की स्पिरिचुअल पावर, उनकी इनर वॉइस, उनके अहिंसा के सिद्धांत, सब जिन्ना के पैरों तले कुचले गए। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये सब पढ़ने के बाद मुझसे नफरत करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और मैं ये भी जानता हूं कि गांधी को मारते ही मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि गांधी के बिना इंडियन पॉलिटिक्स और ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल होगी। हमारे देश को आखिर में आर्म्ड फोर्सेस ही डिफेंड करेंगी। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये कीमत चुकाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इंडिया को पाकिस्तान से बचाना चाहता हूं। लोग शायद सोचे कि मैं बहुत बड़ा पागल हूं, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हमारा देश रीजंस के साथ और प्रैक्टिकल फैसले लेकर आगे बढ़े, क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्ट्रांग नेशन बनाने के लिए ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। मैंने ये सॉल्यूशन खुद निकाला है। मैं अपने एक्शंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं जिस बात पर यकीन रखता हूं, उसे मैंने जी जान से पूरा किया। 30 जनवरी 1948 को, उस दिन बिरला हाउस में गांधी पर मैंने ही गोली चलाई थी। मेरे निशाने पर वो इंसान था जिसके उसूलों और कारनामों ने देश के करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत गांधी को उसके किए की सजा मिले। इसीलिए ये काम मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैं गवर्नमेंट में किसी एक पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मुझे इस पूरे इंस्टीट्यूशन पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा एक तरफा रही हैं, और इन्होंने कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम्स की तरफदारी की, और इसके पीछे भी गांधी का ही हाथ है, इसमें जरा भी शक नहीं। मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के भाषण और एक्शन एकदम बेबुनियादी हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान बनने की मंजूरी कैसे दे दी, जो कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है? क्योंकि गांधी के मुस्लिम प्रेम ने ही नेहरू के लिए रास्ता आसान कर दिया था। मैं आज कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल करता हूं, और इसकी जो भी सजा मुझे मिलेगी, मुझे मंजूर है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, और ना मैं किसी से अपने लिए दया की उम्मीद करता हूं। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जो किया, ठीक किया। लोग चाहे मेरी कितनी भी बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे उम्मीद है कि इतिहास लिखने वाले ईमानदार लोग मेरे इस फैसले की तारीफ करेंगे, और आने वाले कल में
इसकी अहमियत को समझेंगे। तो दोस्तों, ये नाथूराम गोडसे की ऑटोबायोग्राफी थी जो आपने सुनी। आपने इस ऑडियो बुक समरी में सुना कि नाथूराम गोडसे मरने से पहले क्या मैसेज देना चाहता था। गोडसे एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और वो एक डिवोटेड हिंदू था। धर्म और राजनीति को लेकर उसमें अपने स्ट्रांग ओपिनियंस थे। तो आपको एक कातिल के अंदर झांकने का मौका मिला जो हिंदू धर्म को सबसे ऊपर मानता था। अभी आपके ऊपर है कि आप नाथूराम गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं। उसने सही किया या गलत, इसका फैसला सुनने के बाद आप ही कर सकते हैं। क्या आप नॉन वायलेंस चूज करेंगे या उस चीज को जी जान से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सी समरी सुनना चाहेंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो आप अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यू देकर।